देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ये चैप्टर बात करता है डिविडेंड का। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर में डिविडेंड बांटना। डिविडेंड दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड माने जो पूरा मान लो 23-24 में हम बिजनेस किया, उसके बाद में अगस्त सितंबर तक मेरा बैलेंस शीट फाइनल हुआ, अगस्त सितंबर में जाके मेरा बैलेंस शीट फाइनल हुआ, अब हम सितंबर या अगस्त सितंबर में डिविडेंड बांट रहे हैं, मतलब अगस्त 24 में हम जाके डिविडेंड बांट रहे हैं। अप्रैल 23 से मार्च 24 में हम बिजनेस किया और उसके बाद हम डिविडेंड बांटा मार्च अगस्त 24 में, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। पूरा ईयर बिजनेस हुआ, उसके बाद ऑडिट हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, फिर डिविडेंड बांटे। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, साल के बीच में मान लो 23-24 का नवंबर में मेरे कंपनी को यूज एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या बड़ा प्रॉफिट हुआ है और हम डिविडेंड बांटना चाहते हैं, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। तो पहले यहां पे बताया डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड मीन्स पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट रिसीव बाय शेयर होल्डर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, माने बोलना चाहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड है, मतलब दोनों मिला के देता है कंपनी अल्टीमेटली। डिविडेंड देने का पावर, द पावर टू पे डिविडेंड इज इनहेरेंट इन अ कंपनी एंड नॉट डिराइव फ्रॉम कंपनीज एक्ट या मेमोरेंडम या आर्टिकल। मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखना जरूरी नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड देना है कि नहीं, कंपनी डिविडेंड दे सकता है, उसको ये फुल पावर है, उसको किसी से कंपनी एक्ट से मेमोरेंडम से आर्टिकल से परमिशन का जरूरत नहीं है। एक मिनट, हाँ, तो यहां पर कंपनी डिविडेंड इनहेरेंट पावर रखता है डिविडेंड देने का और कंपनी एक्ट के हिसाब से लेकिन डिविडेंड का रूल फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को डिविडेंड देना है नहीं देना है ये कंपनी एक्ट मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा होना जरूरी नहीं है, ये कंपनी का इनहेरेंट पावर है। लेकिन कंपनी कितना डिविडेंड देगा, कैसे देगा, प्रोसेस क्या होगा, वो सब कंपनी एक्ट में लिखा है, वो फॉलो करना पड़ेगा। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो होता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है सीए लोग का, वैसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होता है सीएस लोग का, क्लैरिफाई वहां पे क्लैरिफिकेशन लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्काउंट कूपन टू ऑल शेयर होल्डर शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलना चाहता है, ये बहुत अच्छा काम का बात है, बहुत काम का बात है। क्या बोलना चाह रहे हैं, कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर को डिस्काउंट पे शेयर देने का कोई कूपन दिया है कि बाद में आना और डिस्काउंट पे शेयर ले जाना, तो वो डिस्काउंट को डिविडेंड नहीं माना जाएगा। वो डिस्काउंट अलग है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अलग है। कंपनी ये नहीं बोल सकता कि हम डिस्काउंट पे जो शेयर दे रहे हैं वही मेरा डिविडेंड है, कंपनी ये नहीं बोल सकता। कहीं डाउट हो ना तो व्हाट्सएप करना, हम देख रहे हैं साथ साथ में व्हाट्सएप चालू रखा है, तो कहीं डाउट होगा तो बोलना, वरना है मूविंग फॉरवर्ड। अब बोला डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, फालतू टॉपिक है। डिविडेंड किसको देते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब शेयर होल्डर को। और इंटरेस्ट किसको देते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे बैंक लोन या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डिबेंचर, इन पे इंटरेस्ट देते हैं। डिविडेंड अगर कंपनी अनाउंस करे और शेयर होल्डर उसको फाइनल करे तभी देना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट कंपनी को देना ही पड़ेगा। डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, मतलब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा देंगे, प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड कम देंगे। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट है, मतलब इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर की तरह है,
हम नेट प्रॉफिट को देख के इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करते, तो ये फालतू था। टाइप्स ऑफ डिविडेंड में हम पहले ही बोल दिया दो नाम, एक बोला फाइनल डिविडेंड, तो वो क्या होता है, डिक्लेयर्ड एट द एजीएम एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। तो कंपनी पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखेगा डिविडेंड देना है कि नहीं। जैसे बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि डिविडेंड देना है या कितना परसेंटेज देना है, शेयर होल्डर का मीटिंग कॉल किया जाएगा, उस मीटिंग में फाइनलाइज होगा कि डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं। शेयर होल्डर अगर बोलेगा डिविडेंड दो तो दिया जाएगा, शेयर होल्डर बोल दे मत दो तो नहीं दिया जाएगा, शेयर होल्डर बोल दे कम दो तो कम दिया जाएगा, बट शेयर होल्डर बोले ज्यादा दो ये नहीं हो सकता। जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर किया है या रिकमेंड किया है उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकता शेयर होल्डर, उससे कम कर सकता है, मना कर सकता है। ये बात क्लियर रखना एकदम। तो कंपनी का शेयर होल्डर लोग डिक्लेयर करता है और वो भी एनुअल जनरल मीटिंग, पार्ट ऑफ अड्डा है, पार्ट ऑफ अड्डा। और इसका पूरा डिटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में सब जगह जाएगा। इंटरम डिविडेंड क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम्स, मतलब साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करा करंट ईयर के प्रॉफिट पे, ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दिया जाता है फाइनल डिविडेंड। लेकिन इंटरम डिविडेंड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे प्रीवियस ईयर में ही दिया जा रहा है, या करंट ईयर के प्रॉफिट पे करंट ईयर में दिया जा रहा है जिस साल कमा रहे हैं। कंपनी को बहुत सरप्लस प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देख के भी इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर होता है। इंटरम डिविडेंड का रेट किससे ज्यादा नहीं होगा ये काम का बात है। इंटरम डिविडेंड का रेट शुड नॉट बी हायर देन लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर रेट ऑफ डिविडेंड एवरेज रेट। लास्ट तीन साल का जो एवरेज फाइनेंशियल रेट है उससे ज्यादा डिविडेंड का इंटरम डिविडेंड का रेट नहीं हो सकता। मान लो मेरा 21 22 23 24 सॉरी 20 21 21 22 23, ये तीन साल में मैं एक साल डिविडेंड दिया 10%, एक साल दिया 12%, एक साल दिया 11%। तो 23-24 में हम इंटरम डिविडेंड देना चाहते हैं, कितना दे पाएगा, 10 + 11 + 12 तीनों जोड़ो तो कितना आएगा, 12 और 11 23 22 33 33 का डिवाइडेड बाय 3, यानी मैक्सिमम अब हम 11% इंटरम डिविडेंड दे पाए। ये पॉइंट क्लियर है आई थिंक सबको। ऑलराइट, अब आता है सोर्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। कंपनी डिविडेंड कहीं से भी निकाल के नहीं दे सकता, तो कहां कहां से दे सकता है, बोला आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट दे सकता है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, डिप्री माइनस करने के बाद जो करंट ईयर का प्रॉफिट बचा है वहां से दे सकता है, प्रीवियस ईयर का अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, या दोनों को मिला के, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड आफ्टर डिप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट्स, प्रीवियस कई ईयर का प्रॉफिट, बहुत सारी ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डिप्री, या फिर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई गारंटी मनी दिया है वहां से भी डिविडेंड दे सकते हैं, कोई अनरियलाइज गेन है, सॉरी इनको नहीं लेना है, अनरियलाइज कोई गेन है उसको नहीं लेंगे, कोई नॉशनल गेन नहीं लेंगे, एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्युएशन करते हैं ना, पार्टनरशिप में पड़े थे रिवैल्युएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, उसमें अगर कोई प्रॉफिट है तो वो सब एक्सक्लूड करना होगा, वो सब हम डिविडेंड में नहीं दे सकते। अ कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इफ ही हैज डिफॉल्टेड इन, कंपनी कब कब डिविडेंड दे ही नहीं सकता, अगर वो डिफॉल्ट किया है डिबेंचर का इंटरेस्ट देने में, या डिबेंचर को रिडीम करने में, या प्रिफरेंस शेयर को रिडीम करने में, या पिछले साल डिविडेंड डिविडेंड डिक्लेयर इन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, पहले कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है और फिर नहीं दे पाया तब वो आगे डिविडेंड नहीं दे पाएगा। तो तीन पॉइंट है जहां पे कंपनी डिविडेंड
नहीं दे सकता। पॉइंट क्लियर? ये तीन सिचुएशन याद रखना है। और कहां कहां से डिविडेंड दे सकता है ये भी पूछता है, कब कब डिविडेंड नहीं दे सकता और कहां से डिविडेंड देगा। रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन, हाँ अगर टर्म लोन चुका नहीं रहा, बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है तो भी नहीं दे सकता। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टाइम इफ एनी ग्रांटेड बाय ट्राइब्यूनल कोर्ट फॉर रिपेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। कोर्ट का कोर्ट बोला कोई लायबिलिटी चुकाने, ट्राइब्यूनल या कोर्ट तुमको बोला एक लायबिलिटी चुकाओ और तुम नहीं चुका रहे हो तो भी तुम डिविडेंड नहीं दे पाओगे जब तक वो लायबिलिटी नहीं चुका दो। तो सीधा बात है ना, बाहर वालों का पैसा बाकी है, डिबेंचर होल्डर का, बैंक का, कोई कोर्ट का लायबिलिटी बोला हुआ, ये सब नहीं चुका रहे हो तो भैया डिविडेंड कैसे दे सकते हो। पैसा है, शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हो और बाहर का लायबिलिटी नहीं चुका रही तो गलत बात। एक और बहुत अच्छा कंडीशन बोला है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले मेरे को रिजर्व क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो देखो कंपनी पीएल बनाता है, नेट प्रॉफिट अर्न करता है, उस नेट प्रॉफिट में पहले डेप्री भी माइनस होगा, गवर्नमेंट का टैक्स भी चुकाओ, रिजर्व भी क्रिएट करो, अब बचा हुआ प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करो। तो कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू दैट फाइनेंशियल ईयर इट मे बी कंसिडर अप्रोप्रिएट टू रिजर्व ऑफ द कंपनी। कंपनी के एक्ट, कंपनीज मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से तुमको जितना जितना रिजर्व क्रिएट करना है पहले वो रिजर्व क्रिएट करो, बचा हुआ प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? डाउट हो तो लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हर बार यस लिखने का जरूरत नहीं है। जब हम पूछेगा ये पॉइंट क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो लिखना, क्लियर है तो फाइन है, हमको कोई इसमें पूछने का दरकार नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो डबल स्टार मारना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इन एब्सेंस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट है ही नहीं या बहुत कम है तो क्या डिविडेंड दे सकता है कंपनी, और देगा तो मैक्सिमम कितना देगा। कंपनी के पास प्रॉफिट इस साल हुआ ही नहीं है, करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, या हुआ लेकिन बहुत कम, इतना कम, तो फिर तो कंपनी इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल बात है, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है बट कंपनी डिविडेंड देना चाहता है, कहां से देगा, पास्ट ईयर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट वो जमा करके रखा है। उसके लिए क्या रूल बोला, रेट कितना होगा उस केस में, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो, शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर। जो ऊपर पढ़े थे इंटरिम डिविडेंड के लिए वही रूल वापस लिख दिया फाइनल डिविडेंड के लिए, लेकिन इंटरिम डिविडेंड में वो रूल हर हाल में है बट फाइनल डिविडेंड में वो रूल कब है, जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अच्छा ये रूल किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन केस ऑफ प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर। अरे लास्ट तीन साल के डिविडेंड का एवरेज डिविडेंड मैक्सिमम दे सकते हैं अगर मेरा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो, और लास्ट तीन साल में हम डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किए तो फिर काहे का एवरेज, तो ये रूल वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट बोला, दूसरा नंबर क्या बोला, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन शैल नॉट एक्सीड 1/10 of the sum of the paid up share capital and free reserve as appearing in the last audited balance sheet. Tumhara last audited balance sheet mein paid up share capital hai 20 lakh aur free reserves hai 3 lakh. So total kitna rupya hua paid up capital aur free reserve 23 lakh. 23 lakh ka 1/10 kitna hoga, 2,30,000. So last 3 saal ka average profit se, average dividend se zyada rate nahi hona chahiye. पेड अप कैपिटल रिजर्व का 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों मेन कंडीशन है अगर तुम्हारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है फाइनल डिविडेंड देते टाइम।
और भी एक दो रूल है, द अमाउंट सो ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट अप ऑफ द लॉस। पहले कोई अगर तुम्हारा लॉसेज है वो एडजस्ट करो उस प्रॉफिट से, तभी डिविडेंड देने का बात करना। तुम्हारा रिजर्व से तुम पैसा निकाल रहे हो अगर, तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी का। तुम कहां से प्रॉफिट दे रहे हो? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी रिजर्व एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, फ्री रिजर्व, तो वहां से पैसा निकाल रहे हो तो वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है फिर भी डिविडेंड दे रहे हो तो नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस प्रीवियस ईयर लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन नॉट एडजस्टेड। जब तक तुम प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन और लॉस एडजस्ट नहीं कर लो तब तक डिविडेंड देने की बात मत करना अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। ये बात क्लियर है? चलो ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा, कैसे होगा उसका रूल, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अरे सीधा बात बोलना चाहता है, साल के बीच में कभी भी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले, कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग के होल्ड होने के पहले, कभी भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा वो हो गया इंटरिम डिविडेंड। इन केस ऑफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉस, अगर कंपनी को लॉस हुआ है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रेसिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मान लो थर्ड क्वार्टर में आके डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, थर्ड क्वार्टर माने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके पहले तक मेरे बुक्स में लॉस था लेकिन इस थर्ड क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्या बोल रहे हैं देखो, कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। माने जिस क्वार्टर में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है कंपनी, उस क्वार्टर के पहले तक कंपनी में अगर लॉसेज है तो मैक्सिमम इंटरिम डिविडेंड कितना दे सकता है, सेम ऊपर वाला ज्ञान फिर रिपीट किया। क्या बोला? हायर देन, नॉट हायर देन एवरेज डिविडेंड रेट डिक्लेयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएट प्रोसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर। तो ये घूम फिर के वही रूल लेके आ रहे। तुम्हारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड थ्री क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड व्हाइल डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड द बोर्ड शैल कंसीडर द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द पीरियड फॉर विच द इंटरिम डिविडेंड टू बी डिक्लेयर। जिस क्वार्टर में इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं उस क्वार्टर का प्रॉफिट को देख के इंटरिम डिविडेंड का डिसीजन लिया जाए और कंपनी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो इतना इंटरिम डिविडेंड क्यों दे रहा है। मेरा बात क्लियर? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोलता है इंटरिम डिविडेंड अगर दे रहे हो तो जिस क्वार्टर का प्रॉफिट के बेस पे दे रहे हो उस क्वार्टर का प्रॉफिट को पकड़ के इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट करना है, पुराने प्रॉफिट्स में से इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते। पहला तीन क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है उस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दे रहे थे, पहला दो क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो थर्ड क्वार्टर में जितना प्रॉफिट हुआ है उसी का एक परसेंटेज हम डिविडेंड में बांट सकते हैं इंटरिम डिविडेंड के नाम पे। और हमको ये जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ये रेट कैसे आया। ठीक है? अब बोला और ये भी ध्यान रखना कि डेप्री माइनस कर लिए, टैक्स का फिगर अलग कर दिए, कोई एंटीसिपेटेड लॉस है वो एडजस्ट कर लिए, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका फिक्स डिविडेंड दे दिया या उनको अलग कर लिए। एक बात हमेशा याद कर लेना, कहीं लिखा नहीं है बट याद कर लेना, कभी भी तुम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकता अनलेस एंड अंटिल तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिए। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पेंडिंग है और तुम इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हैं ये अलाउड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देना उसके बाद इंटरिम डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर बात करना। उस फाइनेंशियल ईयर में उस क्वार्टर के पहले तक कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस भी पहले एडजस्ट कर लेना। तो लॉसेस, डेप्रिसिएशन, एंटीसिपेटेड लॉसेस, टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, ये सब अलग करने के बाद जो प्रॉफिट बचे तब इंटरिम डिविडेंड का बात कर, फिर वही बात लिखा और सब कुछ जोड़ जाड़ के एक चीज देख लेना कि तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड का रेट
लास्ट तीन फाइनेंशियल ईयर के जो तुम्हारा डिविडेंड का रेट है उसके एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एस एस थ्री क्या बोला, बोला इस बात का फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट है उसमें पूरा डिस्क्लोजर करना कि कितना डिविडेंड दियो, कितना फ्री रिजर्व था, सब वो डिक्लेयर करना। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो पेमेंट ऑफ डिविडेंड अब बात करते हैं, कैसे पे करेंगे और क्या करना पड़ेगा। जैसे ही डिविडेंड शेयर होल्डर फाइनल कर देगा, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। शेयर होल्डर, देखो एक बात सुन लो, बोर्ड रिकमेंड करता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है। आई रिपीट, बोर्ड रिकमेंड करता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है। तो जिस दिन शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया उसके 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ये पैसा रख दोगे। डिविडेंड का एक रजिस्टर बनाओगे किस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। डिविडेंड जनरली कैश में नहीं देते हैं, जनरली डिविडेंड चेक से, वारंट से या ऑनलाइन ट्रांसफर से ही होता है। तो यहां पेड इन कैश का मतलब वो नहीं बोला है कि हाथ में कैश देना, यहां कैश का मतलब मनी बोलना चाहते हैं। काइंड में डिविडेंड नहीं दे सकते ना, हम डिविडेंड के रूप में एक्स्ट्रा शेयर नहीं दे सकते। क्या डिविडेंड के रूप में हम एक्स्ट्रा शेयर दे रहे हैं या डिविडेंड के रूप में लैपटॉप बांट रहे हैं, वो सब नहीं हो सकता। यहाँ कैश का मतलब मनी बोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मनी का मतलब या कैश का मतलब हाथ में कैश देना नहीं, फिजिकल कैश नहीं। ये डिविडेंड ऑलवेज अकाउंट ट्रांसफर होगा या चेक से होगा। आजकल सब ECS होता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाते हैं। फिर वही ज्ञान दिया, अगर कंपनी कोई भी डिपॉजिट को रिपे करने में डिफॉल्ट हो रहा है तो फिर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगा। 30 days के अंदर, विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड टू ऑल द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। 30 दिन में सबको पेमेंट हो जाना चाहिए। जैसे ही ये 30 दिन खत्म होगा और अभी भी अगर कुछ शेयर होल्डर का पेमेंट बाकी है तो विदिन नेक्स्ट 7 days अमाउंट अनपेड ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोल गया कि सेपरेट अकाउंट खोलोगे वहां पर डाल दोगे पैसा। तो क्या बोला, 5 दिन के अंदर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिन के अंदर तुमको सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के पैसा वहां डाल देना है। 30 दिन के अंदर सबको पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर 30 दिन में सबको पेमेंट नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट 7 days के अंदर तुमको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोल के खोलना पड़ेगा और वहां पैसा डाल देना है। और अगर 7 साल तक भी वो अनपेड रह गया, क्या बोला, अगर 7 साल तक भी कोई क्लेम नहीं किया तो क्या करेगा, कंपनी रख लेगा वो पैसा ना। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया अब उस पैसे पे कंपनी का कोई हक नहीं। तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बोल के गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है, वहां वो पैसा चला जाएगा। तो 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो, 30 दिन में पेमेंट करो, 30 दिन में नहीं पे कर पाए तो उसके नेक्स्ट 7 days में एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल दो। और अगर वो भी नहीं हो तो नेक्स्ट 7 साल तक भी अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है पैसा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, द कंपनी शैल पे विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट कवरिंग द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। अगर 90 दिन हो गया कोई क्लेम नहीं कर रहा तो लिस्ट बना लेना है, 7 दिन में सेपरेट अकाउंट में डाल देना है। और उसके बाद भी कोई क्लेम नहीं करने आ रहा है, 90 दिन बीत गए तो लिस्ट बना के वेबसाइट पर डाल देना ताकि कोई देखे तो क्लेम करने आ जाए। फिर भी कोई क्लेम नहीं करने आए तो 7 साल तक वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा और उसके बाद गवर्नमेंट का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में चला जाएगा। कंपनी का अगर गलती है, कंपनी अगर डिले या कर रहा है पेमेंट करने में तो इंटरेस्ट देगा एट द रेट 12% पर एनम। तो कंपनी 10 दिन लेट हुआ तो मान ले 2 लाख का डिविडेंड है और कंपनी 10 दिन लेट हुआ तो 2 लाख इंटू 12/100
इंटू 10/365 इतना इंटरेस्ट भी दे। ये टॉपिक क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बोला प्रोसीडियर फॉर क्लेमिंग शेयर फ्रॉम आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से। अगर कोई कंपनी रिफंड क्लेम करे, मान लो हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा डाल दिया और बाद में कोई शेयर होल्डर आके क्लेम कर लिया डिविडेंड, तो अप्लाई फॉर रिफंड टू द अथॉरिटी बाय सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन आईईपीएफ एस पोल के फॉर्म है। तो कंपनी अगर कोई पैसा रिफंड चाहे इस प्रोटेक्शन फंड अकाउंट से तो कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। इसके अलावा कंपनी को एक एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन टू द कंपनी सेंड आईपीएफ फ्रॉम ड्यूली साइंड बाय हिम अलोंग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एज एमिनेटेड फ्रॉम आईपीएफ नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर को भी एक रिक्वेस्ट फॉर्म जाएगा, तो ऑनलाइन तो अप्लाई करेगा ही, उसके अलावा नोडल ऑफिसर को भी एक रिक्वेस्ट फॉर्म जाएगा, कंपनी साइन वाइन करके भेजेगा। द कंपनी सेल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम, जब कंपनी को ये पैसा वापस मिल जाएगा तो 15 दिन के अंदर एक वेरिफिकेशन देगा टू द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। जो लोग क्लेम किया है कंपनी से आके, कंपनी उनका लिस्ट दे देगा। हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, अगर तुम्हारा 7 साल हो गया कोई क्लेम नहीं किया, आईपीएफ फंड अकाउंट में पैसा चला गया, उसके बाद कोई क्लेम करने आ गया तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी उनको डिविडेंड तो देगा, वहां से दोबारा आईपीएफ अकाउंट से रिफंड क्लेम करेगा, तो उसके लिए पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा, आईपीएफ एस भर के फॉर्म नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, और जैसे ही पैसा आ जाएगा उसके 15 दिन के अंदर किन किन को वो डिविडेंड बांटा गया है उनका पूरा जो लोग क्लेम किया आगे कंपनी पे उन सबको उसका डिटेल दे देगा। और अगर 90 डेज तक ये डिटेल नहीं दे पाया, एक्सपायर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईपीएफ अथॉरिटी में रिजेक्ट, तब तुम्हारा अथॉरिटी क्लेम रिजेक्ट कर देगा और पैसा तुमसे वापस ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या बोला? इसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ, जब तुम्हारा क्लेमेंट का पूरा डिटेल वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ही तुमको पैसा विड्रॉ करने दे, तब तक पैसा कैश निकालने नहीं तुमको नहीं दे। मतलब ऊपर क्या बोला है? क्लेम मिल जाएगा मतलब वो लोग क्लेम एक्सेप्ट कर लेगा, उसके 15 दिन के अंदर तुमको लिस्ट बना के देना है। लेकिन अगर तुम 15 दिन में भी लिस्ट नहीं बनाओ, 90 दिन और पार हो गया तो तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लो तुम सही टाइम पे लिस्ट बना के दे दिया तो वो वेरीफाई करेगा लिस्ट को और फिर तुमको फंड ट्रांसफर करेगा, एप्लीकेशन रिसीव हो और तुमको क्लेम मिल जाएगा। तो ये एक काम का बात था छोटा मोटा, और उसमें कुछ है नहीं इतना। अगर तुम्हारा कोई शेयर होल्डर मर गया तो उसके लीगल हेयर को ये पैसा मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है, ये फालतू क्या है ना, कुछ दरकार नहीं। ये एक पॉइंट छोटा था, पेनल्टी, अगर कंपनी ऊपर वाला रूल फॉलो करने में फेल करता है तो कंपनी को कितना पेनल्टी है? 1,00,000 रुपीज और 500 एवरी डे करके फाइन बढ़ता जाएगा अगर कंपनी डिले करता जाता है। और कंपनी का ऑफिसर लोग को भी फाइन है 25,000 रुपया और वो भी 100 करके बढ़ता जाएगा एवरी डे, मैक्सिमम ऑफ 2,00,000 रुपीज तक फाइन पेनल्टी। याद करो तुम्हारा मन है, नहीं तो मत करो। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड का क्या करेगा? ये जो आईपीएफ अकाउंट में पैसा आएगा इस फंड का क्या यूज होगा? अच्छा सॉरी, ये गलती हो गया, पहले हमको ये बोला आईपीएफ अकाउंट में पैसा कहां कहां से आएगा। ये आईपीएफ जो डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड डिपार्टमेंट, इसको फंड कहां कहां से मिलेगा? तो जो कंपनी 7 साल तक डिविडेंड नहीं दे पाया वो पैसा चला जाएगा, एक तो उनको वो पैसा मिलेगा, दूसरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको ग्रांट देता है इनको वो भी पैसा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी इनको डोनेशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डोनेशन देता है इनको, इनके पास वहां से पैसा आएगा, अनपेड वाला पैसा तो आएगा ही, वो तो पहले ही बोले। इनके अलावा इनका पैसा बैंक वैंक में पड़ा रहता है तो वहां से जनरल रेवेन्यू माने इंटरेस्ट वगैरह का भी कमाई आएगा इनको, तो ये सब पैसा इनको, कंपनी भी इनको बहुत सारा डोनेशन वोनेशन देता है तो वहां से भी पैसा आएगा, इंटरेस्ट इनकम हम ऊपर भी बोला था दोबारा बोला।
बस इतना ही काम का पॉइंट है। ये लोग डिवेंचर वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है तो वहां से पैसा मिलेगा, ये लोग कहीं पर बैंकिंग कंपनी में पैसा डालेगा तो वहां से पैसा मिलेगा, मतलब इनके पास कहां कहां से पैसा आएगा बताया है भाई। ये भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनको बोनस शेयर मिलता है तो वो शेयर वे बेच के इनको पैसा आएगा, तो इनके पास कहां कहां से पैसा आएगा ये बताया। अब अगला टॉपिक आएगा लोग पैसा को यूटिलाइज कहां करेगा ये फंड वाला लोग, तो जो लोग अनक्लेम डिविडेंड बाद में कोई क्लेम किया तो उसको पेमेंट में यूज करेगा पैसा, इन्वेस्टर को अवेयर करने में पैसा यूज करेगा, कोई अगर एप्लीकेंट है कोई को अगर लॉस हुआ है कंपनी के कारण तो उसको पैसा चुकाने में हेल्प करेगा, कोई लीगल एक्सपेंसेस केस वेस लड़ने में खर्चा होगा, इनका एडमिन डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, तो वो सब में ये लोग फंड को यूटिलाइज करेंगे। ये फालतू टॉपिक था, उतना कुछ काम का नहीं। तो इक्विटी शेयर आई थिंक खत्म, इक्विटी शेयर क्लियर है सबको। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गया प्रिफरेंस शेयर, तो प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड एकदम फिक्स होता है, ये फिक्स रेट पे मिलता है, ये इनका प्रिफरेंशियल राइट है। प्रिफरेंशियल राइट है मतलब सर इनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर के पहले, इनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर के पहले, तो ये इनका प्रिफरेंशियल राइट है। इनको फिक्स अमाउंट, कभी कभी फिक्स अमाउंट भी होता है लेकिन ज्यादातर फिक्स रेट होता है, अमाउंट नहीं होता। वैसे अमाउंट भी फिक्स हो गया क्योंकि तुम 2 लाख का प्रिफरेंशियल लिया है और 10% रेट है तो एवरी ईयर 20,000 मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बात ध्यान रखना, लॉस अगर होता है तो इनको डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है, इनको लॉस में लॉस अगर हो जाता है उसलिए डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट अगर ये एक, वो एक, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्रिफरेंस शेयर है ये, एक नाम हम भूल रहे हैं, एक मिनट, क्यूमुलेटिव, अगर ये इनका क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर है, अगर नाम लिखा हुआ प्रिफरेंस शेयर के आगे क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर, तो जिस ईयर लॉस हुआ उस साल डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों ईयर का कंबाइंड डिविडेंड मिलेगा, माने जिस ईयर लॉस हुआ उस साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल मिलेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव नहीं है तो जिस ईयर लॉस हुआ उस साल का डिविडेंड भूल जाओ, जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल डिविडेंड मिलेगा। हाँ बस इनको इक्विटी शेयर के पहले डिविडेंड मिलेगा, यही बात करी इनमें एक्स्ट्रा याद रखने का। और यहां पे कुछ काम का नहीं है, राइट टू डिविडेंड, राइट टू शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन एबियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या बोल रहा है सेक्शन 126 बोलता है, व्हेन एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू एनी कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। तुम बोला शेयर मेरे पापा के नाम पर ट्रांसफर कर, हम बोला शेयर मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो अब डिविडेंड भाई को मिलेगा या पापा को मिलेगा। बट मान लो हम अभी रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया बट वो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, उस केस में क्या हो, हम पापा के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिया बट ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है और उस बीच में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो डिविडेंड का क्या होगा? सर वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा और जब शेयर ट्रांसफर हो जाएगा तब वो पैसा उनको मिल जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट डिक्लेयर करने के बाद फेल करता है, कंपनी डिविडेंड रिकमेंड किया, शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया, अब उसके बाद कंपनी अगर डिफॉल्टर करता है तो क्या होगा? व्हेन डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या जो भी पार्टी इन डिफॉल्ट है उसको पनिशमेंट मिलेगा, जिसको 2 साल तक का जेल मैक्सिमम या फिर फाइन नॉट लेस देन 1,000 rupees फॉर एवरी डे एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ये तीन चीज का, ये वाला फाइन पेनल्टी याद रखना, हम बहुत जगह बोल देते हैं फाइन पेनल्टी मत रटो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां फाइन पेनल्टी याद कर लेना, काम का है ये वाला पार्ट। ऑफिसर लोग को 2 साल तक का जेल, 1,000 रुपया तक का फाइन, जो भी डिफॉल्टर है या जो भी डायरेक्टर है, और
कंपनी को 18% पर एनम करके इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर कंपनी डिक्लेयर करने के बाद फेल कर जाता है देने। कब कब? डिक्लेयर करने के बाद फेल करने पे भी कंपनी को कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा या ऑफिसरों को कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा अगर तुमको लॉ ही मना कर दिया डिविडेंड देने से। वेदर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय सच कम्युनिकेटेड टू हिम। कंपनी का शेयर होल्डर बोला था मेरे को मेरा जो बैंक अकाउंट बताया गया उसमें नहीं दूसरा बैंक अकाउंट में डिविडेंड दो और वो दूसरा बैंक अकाउंट का डिटेल ठीक से दिया नहीं गया तो फिर कंपनी का गलती नहीं है। शेयर होल्डर डायरेक्शन दिया कि इस तरीके से डिविडेंड मिलना चाहिए इस अकाउंट में मिलना चाहिए और उसके बाद शेयर होल्डर भी पूरा डिटेल ठीक से नहीं दे पा रहे तो कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है कंपनी क्यों फाइन दे रही। या फिर शेयर होल्डर से कंपनी कोई पैसा पाता था शेयर होल्डर से कंपनी कोई पैसा पाता था उससे एडजस्ट कर लिए ठीक ही किया। कोई डिस्प्यूट है शेयर मान लो ज्वाइंट शेयर होल्डर है हम और मेरे पापा शेयर होल्डर है और हम लोग हम बोल रहे हैं हमको दो पापा बोल रहे हैं हमको दो तो डिस्प्यूट है तो कंपनी रुक जाएगा तो यहाँ पे कंपनी का कोई देरी होने में या नहीं देने में कंपनी का कोई गलती नहीं। वेदर डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड हम बोला तो ऊपर ही तुमसे कोई पैसा पाता है वहां कंपनी एडजस्ट कर लिया। या फिर कोई ऐसा रीजन है फेलियर का नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी कंपनी का गलती नहीं है उस फेलियर में बैंक का सिस्टम खराब था कंपनी का कोई गलती नहीं तो कंपनी को वहां फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा। ये वाला आंसर खाली ज्ञानबाजी है पढ़ने के लिए प्रोसीडियर ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड तो सबसे पहले आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड का। देखो फाइनल डिविडेंड का जरूरी नहीं है लेकिन इंटरिम डिविडेंड का आर्टिकल में परमिशन जरूरी है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मीटिंग कॉल करेगा वो लोग शेयर होल्डर को नोटिस इशू करेगा अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताएगा बोर्ड चेक करेगा उसके पास कितना फंड अवेलेबल है कितना आगे उसका एक्सपेंडिचर लगने वाला है कितना मैक्सिमम रेट दे सकता है उसे कैलकुलेशन करेगा बोर्ड उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगा कि हम इतना डिविडेंड देने जा रहे हैं बोर्ड के डिसीजन के बारे में। बुक्स के क्लोजर के पहले नोटिस डिक्लेयर कर देगा कि 7 डेज यहाँ के लिए इनकेस ऑफ लिस्टेड कंपनी पब्लिक नोटिस इन बुक्स क्लोजर इन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में विद इन 7 डेज एक नोटिस दे देगा। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट खोलेगा सेपरेटली उसमें पैसा डालेगा मेंबर लोग का रजिस्टर को वहीं स्टॉप कर देगा अब रजिस्टर में नया मेंबर का नाम नहीं आएगा जब तक डिविडेंड पेमेंट का पूरा काम नहीं हो जाए। किसके अकाउंट में रुपया भेजना है किसको डिविडेंड का वारंट या चेक भेजना है उसका लिस्ट रेडी करेगा कौन कितना शेयर हेल्ड कर रहा है किसको कितना डिविडेंड देना आदमी वाइज पर्सन का नेम वाइज लिस्ट रेडी होगा कितना डिविडेंड पे टैक्स देना अब नहीं है पहले था कंपनी को डिविडेंड भी देना पड़ता था और डिविडेंड पे टैक्स भी देना पड़ता था उसको बोलते थे कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये सब नाम था उसका अब नहीं है क्योंकि पहले शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना होता था कंपनी ही दे देता था लेकिन अब नया रूल क्या है 2021 के बाद कि शेयर होल्डर अपने डिविडेंड के इनकम पे खुद टैक्स देगा तो अब ये रूल हट गया है पहले ये रूल था कि टैक्स भी कैलकुलेट करो डिविडेंड अगर वारंट या चेक से दे रहे हैं तो उसका प्रिंटिंग करो RBI का भी अप्रूवल लो सॉरी नो RBI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड सॉरी अब्रॉड शेयर होल्डर के लिए भी RBI का रिक्वायर्ड नहीं है। सोचो इंडिया के बाद पेमेंट कर रहे हैं बट RBI का रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये हुआ इंटरिम डिविडेंड का प्रोसीडियर। जो भी डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं अगर कोई पैसा क्लेम नहीं करे तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल देंगे इंटरिम डिविडेंड में भी सेम रूल जो फाइनल डिविडेंड में था। अब डिविडेंड वारंट डिस्पैच करेंगे यानी चेक या डिविडेंड वारंट भेजेंगे विद इन 30 डेज अगर कोई अनक्लेम भी नहीं आ रहा है तो 7 साल तक पड़ा रहेगा 7 साल के बाद वो पैसा चला जाएगा कहाँ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। और नेक्स्ट AGM में एक बार ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि इंटरिम डिविडेंड दिया गया ताकि सब शेयर होल्डर को पता रहे। पेमेंट का प्रोसीडियर क्या होगा पहले सबको नोटिस पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड को नोटिस भेजेगा मीटिंग बुलाने का स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भेजेगा
बोर्ड मीटिंग करेगा, एनुअल अकाउंट्स को चेक अप्रूव करेगा, कितना फाइनल डिविडेंड और कितना इंटरिम डिविडेंड डिसाइड हुआ उसका अमाउंट डिक्लेयर करेगा, रिकमेंड करेगा, मतलब शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगा। अब टाइम डेट फिक्स करेगा कि एजीएम कब होगा, क्योंकि फाइनल डिविडेंड में एजीएम का अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, रिकमेंडेशन इंटरिम में नहीं चाहिए। एजीएम का नोटिस भेजेगा, रजिस्टर को स्टॉप कर देगा मेंबर लोग का, ताकि नया नाम ऐड नहीं हो, वरना कंफ्यूजन होगा किसको किसको देना है। लिस्टेड कंपनी अगर है तो जिस दिन यह मीटिंग कंक्लूड हुआ उसके 30 डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा कि इतना दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज रहेगा, मेंबर लोग का रजिस्टर भी क्लोज रहेगा, इस डायरेक्टर रिपोर्ट में पूरा डिटेल देगा कितना डिविडेंड रिकमेंड हुआ, कितना शेयर होल्डर अप्रूवल किया है। अब एजीएम हेल्ड करेगा, ओआर पास करेगा, यहाँ पे एसआर नहीं चाहिए, शेयर होल्डर का ओआर से काम हो जाएगा, क्योंकि अड्डा है, अड्डा में ओआर लगता है। पूरा लिस्ट रेडी करेगा किसको किसको इंटरिम डिविडेंड देना है। अब डिविडेंड टैक्स वाला रूल हट गया है, सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के वहां पैसा डाल देगा विद इन 5 डेज। अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैंडेटरीली रजिस्टर्ड ऑफ इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट आरबीआई सबको बता देगा, जितना डिपार्टमेंट से तुम कनेक्टेड है सबको बता देगा कि भैया हम लोग फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं, कितना डिविडेंड वारंट लगेगा उसको प्रिंटिंग करोगे। अब फालतू जाना डिविडेंड वारंट भेज दोगे सबको, आजकल वारंट नहीं होता, अब सब ईसीएस होता है। और अगर कोई नहीं क्लेम किया तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल देंगे, और अगर वहां भी नहीं हुआ 7 साल तक क्लेम तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। ये टॉपिक काम का है और लास्ट टॉपिक ये आई थिंक काम का, इसके बाद टाइम पास है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, क्या कंपनी रिजर्व्स में से डिविडेंड दे सकता है? हाँ, हम लोग पढ़े थे कब, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है फिर भी कंपनी डिविडेंड देना चाहता है, बट पास्ट प्रॉफिट है, पास्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा है तो वहां से दे सकता है कंपनी। तो गिव नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स कि कंपनी एक बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, कंपनी बोर्ड मीटिंग में इंश्योर करेगा कि कंपनी का रूल सारा फॉलो, डिविडेंड रिलेटेड जो भी रूल है। नेट वेल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेगा ऑलवेज, पैट लेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कंप्यूट करेगा एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना आया, कितना रिजर्व रिजर्व में पैसा डाला हुआ है वो भी कैलकुलेट करेगा, कौन सा फ्री रिजर्व है, कौन सा रिजर्व यूज नहीं कर सकते वो लिस्ट बनाएगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताएगा, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ उसके 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट, 30 डेज भी नहीं। शेयर होल्डर को एजीएम का नोटिस देगा 21 दिन का, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा छोड़ देगा और डिविडेंड वारंट या ईसीएस के थ्रू ट्रांसफर करेगा। तो रिजर्व से दे सकता है बट उसके लिए अलग से अप्रूवल लिया जा रहा है शेयर होल्डर से, बस यही एक एक्स्ट्रा बात है। क्या शेयर होल्डर अपने डिविडेंड मिलने के राइट को वेव कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो शेयर होल्डर मना कर सकता है कि पूरा ही डिविडेंड मत दो या थोड़ा कम, ज्यादा नहीं मत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन अदर टाइप ऑफ सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे पाएगा क्या? नो, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता। निधि कंपनी वगैरह डिविडेंड दे सकता है? नो, अगर देना है तो आरडी का अप्रूवल चाहिए, रीजनल डायरेक्टर मतलब आरओसी के भी ऊपर का, उन लोगों को पहले जितना रुपए वालों डिविडेंड में बात, पहला बात तो निधि कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता, अगर देना चाहे तो आरडी का अप्रूवल लो। और कितना दे पाएगा सर? दे जितना पाएगा उतना ही अमाउंट उन लोगों को जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा, तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है उतना ही अमाउंट का एक अलग रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि कोई भी पेमेंट का डिफॉल्टर नहीं है, इंटरेस्ट का या किसी से डिपॉजिट किया था उसके पैसे का डिफॉल्टर नहीं। प्रोड्यूसर कंपनी दे सकता है डिविडेंड? प्रोड्यूसर कंपनी कौन हुआ? मेरे एरिया के फार्मर लोग मिलके, मेरे एरिया के एग्रीकल्चर वाले फार्मर लोग मिलके डिविडेंड कंपनी क्रिएट की, उसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। तो वो लोग को भी बोला है कि
कि वो लोग को भी पहले कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा जितना वो लोग डिविडेंड देना चाहते हैं। तो इन दोनों के लिए एक ही रूल है, प्रोड्यूसर और निजी कंपनी के लिए, कि वो लोग डिविडेंड दे, पहला बात तो देना नहीं चाहिए, बट देता है तो उतने ही अमाउंट का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी लिमिटेड भाई गारंटी डिविडेंड दे सकता है, एक मिनट इसमें देखना पड़ेगा। इन लोगों को डायरेक्टली ना नहीं किया गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बट रिकमेंडेशन यही है कि इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाना चाहिए। तो इनको डायरेक्टली ना नहीं बोला, बट रिकमेंडेशन यही है। ये फालतू पॉइंट है, कंपनी को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का पॉलिसी बनाना पड़ेगा। मतलब कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि तुमको अपना रूल बनाना पड़ेगा, कि एक एग्रीमेंट साइन करके रखना पड़ेगा कि लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन। एक मिनट, नहीं ये कुछ और था, हाँ याद आ गया। ये बोलना चाह रहा है कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है कोई कंपनी का, मान लो हम बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक हमको बोला जब तक मेरा इंटरेस्ट न चुका दो या मेरे लोन का पैसा न चुका दो तब तक डिविडेंड नहीं दोगे, तो फिर कंपनी को ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा। हम SBI बैंक से लोन लिया, हम नीरज लिमिटेड है, हम SBI बैंक से लोन लिया और SBI बैंक हमको बोला जब तक मेरा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, तो हर साल पहले उनका इंटरेस्ट पेमेंट बाद में डिविडेंड डिक्लेयर, या जब तक EMI नहीं जाएगा तब तक डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमको फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को ठीक से ये देखना पड़ेगा कि उनका अर्निंग ठीक ठाक है, तो अर्निंग अगर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत प्रॉफिट कभी बहुत कम प्रॉफिट, तो भाई डिविडेंड डिक्लेयर मत करो, बेटर हो। लेकिन अर्निंग अगर स्मूथ है तो कर दो डिविडेंड डिक्लेयर, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कर दो डिविडेंड डिक्लेयर, तुम्हारा कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है बहुत जल्दी जल्दी कैश का इनफ्लो होता है दे दो डिविडेंड, कैश का इनफ्लो बहुत स्लो है मत दो डिविडेंड। कंपनी को आगे कोई बड़ा खर्चा करना है जिसके लिए लोन वोन लेना पड़ेगा, तो भाई डिविडेंड बांटोगे फिर लोन लोगे, क्या बेवकूफ वाला बात हो, तो भाई लोन डिविडेंड मत दो। लेकिन अभी कंपनी को कोई बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है और फंड है दे दो। टैक्स डिपार्टमेंट रूल हार्ड करके रखा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है डिविडेंड के ऊपर मत दो, टैक्स डिपार्टमेंट डिविडेंड पे टैक्स कम करके रखा है दे दो। तो ये कुछ पॉइंट थे कब डिविडेंड देना चाहिए और कब नहीं, ये कोई रूल नहीं बोला है, बट ये सब बातों को ध्यान में रख के डिविडेंड देना चाहिए। आई होप ये टॉपिक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, मोटा मोटी एंड पे ही है। पर्सन एंटाइटल टू डिविडेंड, किसको किसको डिविडेंड मिलेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या उसके बैंकर को, और अगर डेथ हो गया है मेंबर का तो उसके नॉमिनी को, और अगर नॉमिनी नहीं है तो अगर जो ज्वाइंट होल्डर है तो ज्वाइंट होल्डर को, और अगर एक सिंगल होल्डर है तो नॉमिनी को, और अगर नॉमिनी नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है और वो शेयर होल्डर कौन है, कंपनी है, तो उसके लिक्विडेटर को, अगर कोई क्लेम नहीं करे तो IPF अकाउंट में, और एक बार IPF अकाउंट में पैसा चला गया और अब शेयर होल्डर क्लेम करे तो वहीं से पैसा मिलेगा उसको। कंपनी क्या, एक बहुत मस्त पॉइंट है, क्या कंपनी डिविडेंड की जगह बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, कंपनी बोल रहा है इतना प्रॉफिट हुआ है कि डिविडेंड बहुत छोटा अमाउंट होगा देने में, हम तो शेयर देंगे फ्री में बोनस शेयर, बढ़िया बात है। तो लेकिन एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करके बाद में ये नहीं बोल सकते हम डिविडेंड कैंसिल कर रहे हैं और अब बोनस शेयर दे रहे हैं। वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड तो फिर तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, तुम अलग से और बोनस शेयर दे दो वो तुम्हारा मन है, तुम डिविडेंड भी दो बोनस शेयर भी दो वो तुम्हारा मन है, या तो डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो, रिकमेंड ही मत करो और बोनस शेयर दे दो। लेकिन अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर और रिकमेंड हो गया तो फिर तुम बोनस शेयर देने के बाद नाम पे डिविडेंड कैंसिल नहीं कर सकते। जिन लोगों का नाम मेंबर रजिस्टर में होगा उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, मतलब जिस दिन रजिस्टर क्लोज हो गया तुम उसके बाद शेयर परचेस किए तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, जिनका नाम रजिस्टर में होगा डिविडेंड
उनको ही मिलेगा। अगर हम शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं किसी को, तो भाई जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ उसको मिलेगा, और अगर अभी ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो फिर वेट करना पड़ेगा, जब ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा होगा तब मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट फालतू बोला, कैश में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ कैश का मतलब फिर हाथ में कैश नहीं, मनी बोल रहा है, मनी या तो चेक से दो या शेयर वारंट से दो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दो। अगर तुम्हारा क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी है, उनको तुम ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हो। चेक या वारंट जो भी तुम भेजोगे वो मेंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजोगे। सब फालतू ज्ञान है, कुछ बचा नहीं है टॉपिक बताने के। मेंबर का अगर बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है तो उसी बैंक अकाउंट नंबर में भेजोगे, ऑब्वियस बात है, ईसीएस अगर कर रहे हो तो। अगर तुम्हारे पास मेंबर का बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो उसको मेल करके तुम उससे बैंक अकाउंट नंबर मांग सकते हो। अगर डिविडेंड का अमाउंट एक्सीडिंग 1,500 रुपीज, मतलब 1500 से ज़्यादा है, मतलब उससे कम है, तो भले ही तुम इन कैश भी दे सकते हो, ये बोलना चाहो। लेकिन अगर 1500 से ज़्यादा है तो कभी कैश में नहीं दोगे, कोई कैश में देता भी नहीं, सब बैंक अकाउंट में ही देता है। चेक या डिविडेंड जो गया वो 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब 3 महीना तक शेयर होल्डर कभी भी अकाउंट में डाल के पैसा उठा ले। डिविडेंड का जो चेक वगैरह दोगे उसका एक स्टेटमेंट बना के रखोगे अपने पास, किस किस को किस बैंक अकाउंट नंबर में या कि क्या चेक नंबर भेजे हो, चेक का नंबर का लिस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। डिविडेंड शेल भी पेड प्रोपोर्शनेटली, अच्छा अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो डिविडेंड भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा, मतलब कम डिविडेंड दोगे। कभी भी बियरर इंटरेस्ट में डिविडेंड नहीं दोगे, मतलब बियरर चेक से डिविडेंड नहीं दोगे, फालतू पॉइंट आई थिंक हो गया। ये सब रजिस्टर जो बनाओगे, चेक का जो लिस्ट बनाओगे, वारंट का जो लिस्ट बनाओगे, ये कितने दिन तक अपने पास रखना है। सेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी प्रिजर्व सच स्पेसिफिक पीरियड और 8 ईयर्स विच एवर इज लॉन्गर। अगर कोई डिपार्टमेंट तुमको ज़्यादा दिन रखने बोला है तो ज़्यादा दिन, नहीं तो 8 साल तो मिनिमम तुमको ये रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ेगा। इवन डिफेक्टेड टॉन डिविडेंड वारंट, अगर कोई डिविडेंड वारंट फट गया है, शेयर होल्डर तुमको वापस भेजा है कि हमको नया बना के दो, चेक बना के तुम भेजे थे, चेक फट गया है, तो वो चेक का कॉपी वॉपी या डिविडेंड का कॉपी भी 8 साल रखना पड़ेगा जो फट गया है। नया तो भेज दिए, पुराना वाला भी 8 साल रखोगे ताकि कल को कोई झमेला या डिस्प्यूट आए तो उसको शो कर सको। जब भी डिस्ट्रॉय करोगे पहले बोर्ड का अप्रूवल लोगे, 8 साल पूरा होने के बाद डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो पहले बोर्ड का अप्रूवल लेना फिर डिस्ट्रॉय करो। ये तुमको एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू करना है कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो कितना डिविडेंड दे पा रहा है। इस पर प्रैक्टिकल सम्स कराए लोग, एक बार खाली गो थ्रू कर ले, नहीं समझ में आएगा हमको बोल। आई थिंक चैप्टर खत्म, कल इलस्ट्रेशन ही। हाँ यहाँ पे खाली इलस्ट्रेशन ही है और तुम्हारे कुछ काम का नहीं, हो गया ये चैप्टर खत्म। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? विनीत तो बोल रहा है नहीं सर। देवराज कोई डाउट कोई बात?